साहब मरकजी सेक्टरी इतलात हैं अंजमन बलोचा के जी सर। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी तमाम कौम से एक ही अर्ज करूंगा कि आप सब इत्तेहाद इत्तेफाक से रहें और ख़ास करके जो हमारे डाडा चाकरे आज़म है इसके मिजार पर हम हर साल सेमिनार कराते हैं जिसमें बहुत सारे लोग हमारे साथ मिले हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान भर के जो बलोच यहाँ पर आएँ और हम बाबा जी को खराज तहसीन पेश करें कि उनके बाबा जी बहुत बड़े जर्नैल थे, बहुत बड़ा इनका किरदार था। इनके ऊपर अगर लिखा भी जाए तो मैं यकीन से कह सकता हूँ सफ़ात भर सकते हैं। बहुत इनके ऊपर जितना भी लिखा जाए सफ़ात भर जाएंगे लेकिन इनकी तारीफ़ कम नहीं होगी। क्यों? उसकी वजह यह है कि पंजाब में आने की बलोचों की वजह ही सबसे पहले चाकरे आज़म रिंग साहब हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पर आए हैं, वरना हमें पंजाब में कोई भी हमारी पहचान नहीं थी इससे पहले। तो मैं तमाम बलोच कौम से एक ही अर्ज़ करूंगा कि आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक से रहें और उसके बाद हमारे इस जश्न को कामयाब करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लोग तशरीफ़ लाएं ताकि हम आपस में प्यार और मोहब्बत को बांट सकें। थैंक यू सर। ये नवाज़ खान बलोच साहब है जी, अंजमन बलोचा के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मरकज़ी। अस्सलामु अलैकुम। अंजुमन इत्तेहाद फलाह बहबूद बलोचा पाकिस्तान की बुनियाद 15 अप्रैल 1985 को गुजरांवाला में चंद मकरानी बलोचों ने रखी और हम 1986 से ये 37 सालाना जश्न चाकर आज़म मना रहे हैं और इंशाल्लाह हम इसमें काफ़ी कामयाब हो गए हैं। हमारी तंजीम का एक मंशूर भी ये था कि मीर चाकर आज़म रिंद के मकबरा की तज़ीन व आरइश करना और इसमें अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया है। 2 साल पहले जब सरदार फतेह मोहम्मद बुज़दार साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे तो उन्होंने अपने बेटे सरदार उस्मान बुज़दार साहब से रिक्वेस्ट की और उस्मान बुज़दार साहब ने यहाँ 128 मिलियन रुपए का काम करवाया, जो मैं कहता हूँ इसमें हम तमाम बलोच उस पर सरदार उस्मान बुज़दार पे बड़े खुश हैं क्योंकि उनसे पहले भी काफ़ी लोग आए, उन्होंने ये अपने अपने हिस्से का काम करवाया। सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने बहुत ज़्यादा काम कराया और इंशाअल्लाह ताला जब तक हमारी जान है और हम जिंदा हैं हम मीर चाकर आज़म रिंद का जश्न चाकर आज़म मनाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर। आज हम मीर चाकर खां के मकबरे में मौजूद हैं तो मैं उन बलोच कायदीन का शुक्रिया अदा करूंगा, हमारे मरकज़ी सदर साहब का जो वो तशरीफ़ ले के आए और उनकी हौसला अफजाई हम उन्होंने की और मेरे साथ मरकज़ की तमाम तंजीम खड़ी है। इस वक्त बाबर इंद साहब, नवाज़ खां बलोच साहब खड़े हैं और मेरे बलोच जो यंगस्टर हैं वो भी इस वक्त मौजूद हैं। तो ये इस दफ़ा हमने पहली दफ़ा ये प्रोग्राम किया है रात का नाइट का, लेकिन पहले हम एक दिन के लिए प्रोग्राम करते थे। मरकज़ी सदर साहब ने हमें इस दफ़ा इजाज़त दी कि आप 2 दिन के लिए प्रोग्राम करें। महफिल समा है इस वक्त, तो इस महफिल समा के बाद फिर बलोच जो शायर हैं वो अपना मुशायरा करेंगे इधर। तो इस पुरअज़म के साथ हम बलोच इकट्ठे हुए हैं और इंशाल्लाह हम खराज तहसीन पेश करते हैं अपने मीर चाकर आज़म रिंद साहब को जिन्होंने इस बलोच कौम को